9 मई 2022 और समय हो गया है 05:43 AM। देखिए जो बातें मैंने बताई है, हम लोग ना कुछ मामले में क्योंकि हम लोग SPG गार्ड्स हैं, हम लोग एहतियात बरतते हुए कुछ फॉरवर्ड फीड्स रखते हैं। ये वो बातें होती हैं जिसको आप लोग शायद सही ना कहें, पर ये हमारी मजबूरी होती है जी। अब मैं भारत सरकार SPG 1437 PMO SPG गार्ड्स को सूचित करूंगा कि आप लोग जो है इनके परिजन को सूचित कर दें और जो है इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है तैयार करके उसे सार्वजनिक कीजिए। और IB से जो है एक रिपोर्ट ले करके, जी हाँ, IB से आप एक रिपोर्ट ले लीजिए कि किसी भी प्रकार की जो है साजिश का कोई अंदेशा है या नहीं है, और वो रिपोर्ट ले करके PMO SPG गार्ड जी, IB की रिपोर्ट ज़रूरी है, और उस रिपोर्ट को लेकर के आप दिल्ली पुलिस को दीजिए और एक FIR रजिस्टर करा दीजिए कि इनके आकस्मिक निधन की सूचना जो है हम आपको देते हैं दिल्ली पुलिस को जी, IB की रिपोर्ट के साथ। हाँ, और मेडिकल रिपोर्ट अटैच कर दीजिए उसमें, और जो भी SPG गार्ड्स जहाँ भी हैं उनको वायरलेस कर दीजिए कि उनके जगह जो है अब SWAT दिल्ली पुलिस SWAT उनको जो है उनसे ड्यूटी हैंड ओवर लेंगे, और ये सारा साइलेंटली हो जाना चाहिए जी ऑल ओवर वर्ल्ड में जी। हाँ, नहीं मैरून SPG में नहीं आ सकते ना, मैरून SPG गार्ड नहीं आते सर, वो एक अलग मामला है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। मैरून सिक्योरिटी अलग होती है सर, और मैं बताऊंगा कवर कैसे होती है जी। अभी फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ SWAT को जो आदेश दिया जा रहा है आप वो कीजिए, और जो भारत सरकार SPG गार्ड्स को जो क्या कहते हैं आदेश दिया जा रहा है आप उसका पालन कीजिए, और IB से एक रिपोर्ट मंगा लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि जी हाँ इनके आकस्मिक निधन पे अगर यदि आपको कोई अंदेशा है या नहीं है इसकी एक रिपोर्ट दे दीजिए हमारे को, और IB की रिपोर्ट जो है क्या कहते हैं होम मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री में सबमिट हो जाएगी और दिल्ली पुलिस को, और इनके जो है क्या कहते हैं एक प्रेस रिलीज आप तैयार करा लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको आप सूचित कर दीजिए IB की रिपोर्ट के साथ, दिल्ली पुलिस की FIR और मेडिकल रिपोर्ट के साथ कि सर ये है, ठीक है जी। हाँ, ये काम दिल्ली पुलिस वाले करेंगे, SPG गार्ड नहीं करते काम। PMO में IB ऑफिसर बैठे होंगे, वो रिपोर्ट तैयार कर देंगे जो भी है जैसे भी है, नहीं उसमें सवाल ही नहीं उठता, नहीं वो IB की रिपोर्ट ज़रूरी होती है जी। नहीं बिना FIR रजिस्टर्ड करे रिचुअल नहीं हो सकता जी, हैंड ओवर नहीं दे सकते ना इनके बॉडी, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं SPG कार्ड जो है उनकी बॉडी जो है उनके पार्टी कार्यालय को जो है क्या कहते हैं लास्ट रिचुअल के लिए हैंड ओवर देंगे, उनका निवास स्थान जहाँ पे भी था वहाँ पे, और उनके घर परिवार वाले जो है उनको सूचित करने का काम उनकी पार्टी का होगा और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी, वो आप देख लीजिए। और पेंशन डिपार्टमेंट और सैलरी डिपार्टमेंट को बोल दीजिए कि उनकी जो है पेंशन और सैलरी सारी जो है क्या कहते हैं फाइनल तैयार कर दें, और उसका पूरा जो है ब्यौरा बना करके
की, हाँ जो भी उनका आश्रित होगा, जिसको भी उन्होंने नॉमिनी रखा होगा, नहीं नॉमिनी के पास जाएगा, वो आप पुलिस को बता दीजिए और पार्टी को, इनकी पार्टी को और इनके घर परिवार को सुना दीजिए। ये काम दिल्ली पुलिस कमीशन का है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जी। और कॉपी जो है, क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस वाले जो है कॉपी लेकर के राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे। दिल्ली पुलिस को जी एहतियातन स्मृति जुबिन ईरानी को अरेस्ट लीजिए और इनकी पूरी टीम को एहतियातन, इनको इनके लास्ट रिचुअल से दूर रखना है। नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है क्या कहते हैं, हाँ वट एवर, नहीं नहीं हम अलाउ नहीं करें, नहीं नहीं त्यार दिल्ली पुलिस महिला विंग विमेन सेल स्मृति ईरानी को ट्रेस कीजिए और इसकी टीम को अरेस्ट है। रिपोर्ट वहाँ कुछ लिखा हुआ है मैडम, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। पीएमओ के भी एक रजिस्टर होता है मैडम, कि उनको अपनी ही पार्टी, अपने रिश्तेदारों का किस पे क्या शक है। एहतियातन गिरफ्तार किया जाएगा आपको, बोल दीजिए उनको। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, उन्होंने साफ साफ जो बातें लिखी है हमसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। देखिए एक बात ये भी है कि क्योंकि जो हमारे को अब से 1.5 वर्ष पहले पता लगा था, इनको कोई इन्फेक्शन हो गई थी स्टमक में, और इधर से वो जो है इनको काफ़ी परेशान भी कर रही थी। अब क्योंकि पीएमओ है तो इतने जल्दी ऑपरेशन जो है क्या कहते हैं हम लोग अलाउ नहीं करते। जवाब देना भारी पड़ जाता है जी। और पीएमओ के जो इनके सिक्योरिटी के सभी एसपीजी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, हाँ असेंबली एरिया में पहुँचेंगे। बोला नहीं अरेस्ट वरेस्ट कुछ नहीं है, रिलीव ऑर्डर होंगे और बैरक जाएंगे, और क्या ड्यूटी कहीं और लगेगी। अरे नहीं, एसपीजी गार्ड्स को थोड़ी
फायरिंग स्क्वाड का ही खड़ा करते हैं, बेवकूफ़ हो गए हो क्या? सवाल ही नहीं उठता। वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा ना, हो भी सकता है। अब एम्स, हाँ एम्स में तो इनका वार्ड तैयार कराया गया था अलग से, और क्या। लास्ट टाइम जब एम्स में एडमिट हुए थे तो मैं खुद गया था। मैं नहीं जानता, वो एक अलग मामला है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा वो तो जो लिखा होगा वही पढ़ेंगे हम अपनी तरफ से तो कुछ पढ़ेंगे नहीं ना, ऐसा नहीं होता मैडम। मशीन में लगाया जाता है पेपर, OCR होती है उसकी, OCR होने के बाद चेक करते हैं। जी हाँ, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डिक्टेशन मशीन पर डाला जाता है। क्या बात कर रहे हो आप, मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ हैं क्या, ये बात जानता है जो, तो बेकार की बात। तुमने अभी रॉ की मीटिंग कहाँ देखी है अभी तुमने रॉ की मीटिंग कहाँ देखी है? जिस दिन रॉ की मीटिंग देख लोगे ना उस दिन होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, कितना प्रेशर होता है। आप देखो ना मैडम जी, ऐसा है, आपके कहने से आप कह दोगे कि जी हमारे को जो है IB की रिपोर्ट या एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। मैडम ये देश है समझे, ये भारत सरकार है, आप एक गली मोहल्ले का जो है ना क्लिनिक नहीं है, और हम भारत सरकार SPGs हैं। जुबान संभाल के बात करना यार, ठीक है ना? और आपका ये पार्टी कार्यालय नहीं है तेरा IB वाले झूठी रिपोर्ट दे देंगे, वाह भाई वाह। और जो इंटरनेशनल लॉबी में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ जवाब देना भारी पड़ जाता है। यहाँ जो है वो लिख देंगे और सार्वजनिक कर देंगे उसे, लीपा पोती नहीं होती यहाँ पे, जो है वो है। अगर राजीव गांधी पे आतंकवादी हमला हुआ ना तो वो लिख दिया, जो होगा देख लेंगे। इंदिरा गांधी जी पे आतंकवादी हमला हुआ तो लिख दिया, जो होगा देख लेंगे। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, 10 फाइलें आती है, 10 फाइलें बता देते हैं जी ये है, उसके बाद उन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। PMO पे हमला आप मामूली बात समझते हो?
पीएमओ पे हमला मामूली बात समझते हो? आपको फिर भारत सरकार एसपीजी गार्ड्स के बारे में पता क्या है? भारत सरकार एसपीजी गार्ड्स के बारे में पता क्या फिर आपको? वाह भाई वाह, मतलब आप कह रहे हो कि आप आंदोलन करोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये, अब मैं बोल दूंगा, अब मैं मुंह खोल दूंगा। ये स्मृति ईरानी का दिमाग ये था, और इसके साथ एक बंदा और बैठा था, राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह के बेटे को जो है एक दिन सुबह सुबह बुला लिया साहब ने, क्या भाई 25 करोड़ रुपये कैसे लिए तूने ट्रांसफर के? उस दिन से राजनाथ सिंह चिढ़ता था। बोला था पैसे वापस कर। वो तो राजनाथ सिंह का जो है मान सम्मान रखा था, उसी दिन अरेस्ट था वो। अमित शाह जबरदस्ती जो है बीसीसीआई में अपने बेटे, साहब ने साफ मना किया था, तुम्हारे घर परिवार से मुझे मतलब नहीं है, मैंने बता रहा तुम्हारे को। बाबा रामदेव की फाइल उठाकर यूं फेंक दी थी, देखे जा उसको यहां से। वो पतंजलि के नाम से सारे आयुर्वेद का लाइसेंस मांग रहा था। स्मृति ईरानी जो है सोच रही थी कि प्रधानमंत्री है, धमाके से उड़वा देते हैं, शहीद का दर्जा दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम बेवकूफ समझ रही क्या तू हमें? यही जो है ये सोच रहा था ये अमित शाह। मैंने बताया था सबको, सबको जाके बोलता नहीं प्रधानमंत्री वो नहीं ये है, मैंने बोली थी ये बात, बोलनी बोली मैंने। मैंने उठवाया बग्गा, क्यों? क्योंकि बग्गा ने मंच पे कह दिया कि हम मोदी की वजह से नहीं है, मोदी हमारी वजह से है। बोल कहा था नहीं कहा था? अब हम तो सोचने ना दे तेरे को। भारतीय जनता पार्टी एक नाम है, सदस्य कितने आ जाएंगे इस देश में, समझ में आ गई ना? बातें बना रहे हैं, अब आंदोलन करेंगे। नहीं तब तू, तब तेरा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा था हैं? साहब को होटल में जो है, ताज मान सिंह की बात है, ठीक है, हमने ताज मान सिंह में साहब को शिफ्ट कराया एक दिन, होगी कोई बात, साहब वहां पे रहने लग गए आराम से। ये वहां पे 400 बंदे लेके पहुंच गए, पहले गई ये बहाने से मिलने के लिए, और फिर जो एसपीजी गार्ड को कह रही कि साहब से नहीं मिल सकते, पूछो इसका झापड़ पड़ा नहीं पड़ा स्मृति ईरानी के? बाद में यही क्या नाम है इसका, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मीटिंग के बहाने पीएमओ में आकर के जो है बदतमीजी कर रहा था। तब हमने मिलने से मना कर दिया था, मैं कोई नहीं मिलेगा इनसे, जो बात करनी है कॉन्फ्रेंसिंग पे करो। बकवास कर रहे हैं मेरे से। मतलब एक अकेले तुम एक अकेले तुम ही हो भारतीय जनता पार्टी में, बाकी तो सब चूतिए हैं यहाँ पे। वाह भाई वाह, आराम से जो है क्या कहते। अरे भाई उस दिन अमित शाह ने एक बात कही कि यार पार्टी एक है, कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अबे तू समझना, तू बाकियों को समझाना, हमें क्या समझा रहा है, हम तो वॉलंटियर हैं। हमें क्या समझा रहा है? इसको 100 बार मना कर दिया बंगाल के मामले में अमित शाह को, साहब ने खुद बोला इसको कि देख तू बंगाल जाके कोई उल जुलू हरकत मत करियो। ममता बनर्जी से सांठ गांठ कर रहा है, लॉकेट चटर्जी को पीट दिया पकड़ के इसने, बदतमीजी कर रहा, बोल नहीं करी तूने, मेरे तो पंगे मत लिया बता रहा हूं मैं। फिर एसपीजी गार्ड ने जा करके लॉकेट चटर्जी को छुड़वाया, उसकी एसपीजी उठा ली इसने,
खेल चल रहा है क्या यहाँ पे? साफ उन्होंने कह रखा था भाई मेरे को तुम्हारे रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है। अपने आप लेटर बना के ले आया अपने बेटे के नाम का बीसीसीआई के सेक्रेटरी का, साहब ने साफ कह दिया, कह रहा भाई ऑब्जेक्शन लग जाएगी इस पे। तब मैंने लिख दिया यहां से, कर ले मेरे से बात तू। स्मृति ईरानी पूरा अरोड़ा खानदान लेके पहुंच गई। अरे उन्होंने साफ मना कर रखा है, वो सिर्फ आरएसएस के थ्रू काम करते थे। उन्होंने साफ कह रखा था भाई आरएसएस विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, आप अपना जो है क्या कहते हैं वो क्या तो बोलते हैं, संघ वर्ष क्या है पता नहीं कुछ बोलते करे वो बताओ बस। ये फिर दिमाग लगा रहा, आप आरएसएस में हो तो आप उनसे मिल लो जाकर के। मैंने साफ कहा था कि साहब ऐसा है मेरी एक आदत है और मैं साहब जो है मैं स्मोकिंग करता हूँ और वो भी क्या है स्मोकिंग अब मेरी दूसरे में छूटती नहीं मेरे से, मैं नहीं जाता साहब आरएसएस की उसमें कार्यशाला में शाखा में मैं नहीं जाता हूँ साहब, और कोई बात नहीं, मैं तो जानता हूँ तेरे बारे में। मैंने ये बात यहां बोल दी वहां पहुंच गई होगी, पार्टी के अंदर वो किस कार्यकर्ता के बारे में नहीं जानते थे, किसके बारे में नहीं जानते थे, चाहे नया हो चाहे पुराना, एक एक बात जानते थे, उसके घर परिवार भाई बाप बहन सबके बारे में जानते थे। वो बातें बना रहा है मेरे से यहां पे। देखो राजनाथ सिंह को मना किया, अब क्यों दिमाग लगा रहा है? तू होगा कोई अब वो पीएमओ है, इनको हमने हिंदी में कह दिया कि ऐसा है जनाब वो पीएमओ है, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो, आप जरा थोड़ा हिसाब में रहा करो। आप फिर दिमाग लगा रहा है, फिर दिमाग लगा रहा है। इनको हजार बार समझा लिया कि भाई वो सीधे भैया वो संघ के द्वारा लाया गया प्रधानमंत्री है, वो संघ की सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, तुम कोई हो, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाला संघ है, चाहे वो अच्छा है बुरा कुछ हो। मैंने ली मोहन भागवत की क्या कहते हैं फ्रेश आईबी क्लियरेंस, सौ बार कह दिया भाई वो किसी की नहीं सुनेगा, वो कौन पतंजलि, कभी कोई वो श्री श्री रविशंकर, कभी बाबा रामदेव, कभी ये राम रहीम, कभी क्या नाम है तुम्हारा, अबे तुम कौन हो तुम लोग, अपना गुरु आश्रम चलो ना मार मोड़ देंगे हम तुम्हारे को। तो फिर दिमाग लगा रहा है, वो रांची वाली बात बोल दूं अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की लग जाएगी, उन्हीं का आइडिया था, कह रहे इन सबको पागल खाने ही ले चलता हूं मैं, वो इन सबको ही ले गए ना पागल खाने, वो अकेला नहीं गया वो बंदा, कह रहा आओ तुम्हें योगा यहां कराता हूं मैं, इनको ले गए थे एसपीजी गार्ड्स को, चलो बेलूर मठ मैं बताता हूं तुम्हें कहां जाना है। अजीब लोग हैं यार, हर फाइल की जांच करते हैं हम एसपीजी हैं, हर फाइल की, अगर पीएमओ के नाम से ये बात आ गई ना कि वो मनी लैंडर है या लैंड ग्रैबर है, फाइल ले आ भाई जांच करेंगे, बस जाओ अब, और एकदम फेयर। वाह भाई वाह,
अब भैया उन्हें कुछ भी हुआ तो इसका मतलब क्या, इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं आएगा क्या है? ये पागल हो गए। उन्होंने एक दिन वो पता है क्या बोल रहे, कह रहे यार ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है नहीं कि काम कर ले चुपचाप जाके, यार इतनी स्कीम बना के रख दी। तो बोल दिया चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत है बताओ ना। फिर बकवासबाजी। उन्होंने साफ कह दिया यार मैं अगर मान लो 10 साल है, बाकी 10 साल तुम और तुम चला लो ना पार्टी, 10 साल और बनाए रखो भारतीय जनता पार्टी को 50 वर्षों तक सत्ता में। रोका किसी ने तुम्हारे को? पर इनकी हरकतें नहीं है। अब ये मेरे को ये कह रहे हैं कि तू पार्टी के अंदर तुम कर रहे हो ये हरकतें, पार्टी के नाम पे बट्टा नहीं लगेगा, राजनाथ को मिंट में उठा के बाहर फेंक देंगे हम, और आदित्य योगीनाथ को मिंट में उठा के बाहर फेंक देंगे मिंट में। कौन हो तुम और क्या हो तुम? इस देश की वजह से तुम हो, तुम्हारी वजह से देश नहीं है ये। जबरदस्ती। तो और क्या बोलूं, उधर वो राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा, इधर वो क्या कहता नरेंद्र मोदी। तुम्हें ये मूर्खी लग रहे हैं और क्या बोलूं, मूर्खी बोलूंगा मैं भी इनको और क्या बोलूं, ये मूर्खी तो है और क्या है। तुम्हारे जैसों को जो है क्या कहते हैं संसद में लेके आ गए, तुम्हारे जैसों को मौका दे दिया संसद में आने का, वरना अभिषेक मनु सिंघवी ये दोबारा आ जाए कैमरे के आगे। इन्हें मूर्ख नहीं बोलेंगे तो किन्हें बोलेंगे? मूर्ख है क्योंकि इनका बड़प्पन है, इनका बड़प्पन है कि तेजेंद्र पाल बग्गा जैसे को बोल दिया तो आईएसआईएस बनाने चल दिया। पागल हो गया क्या तू? अब इनका खालसा बब्बर खालसा दमदमी टकसाल अकाल तख्त। मैं उसी दिन मैंने अमरिंदर कौर बादल को चमकवा दिया था, मैं अकाल तख्त में दिखा दिया तू कि ज्यादा दिमाग लगा रहा हो तू, हम नहीं समझते क्या? अगर समझ रहा खालिस्तान चाहिए इनको। इनको बोला सुनो मैं बताता हूं, पीएमओ ने ऑर्डर किया, सुनते रहना बड़ी मजे की बात है, सुखोई 57 सौदे के लिए। राजनाथ कह रहा मैं बदनाम करके दिखाता हूं, बताओ। निर्मला सीतारमन, पीएमओ ने ऑर्डर कर दिया, सुनने वाली बात है, सेंट्रल विजिलेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री और राष्ट्रपति भवन, फ्रांस गवर्नमेंट से बात कर रहे, साफ कह रहे एनवेलप खुला ना राष्ट्रपति भवन में, कह रहे 650 करोड़ ये 1500 करोड़ कैसे हो गया है? पता नहीं निर्मला सीतारमन ने, पता नहीं किसने कहा इसमें पर जेट 100 करोड़ रुपए आपके लिए है। अरे सत्यानाश भग गए सबके सब, सुबह सुबह मेरे पास फोन आ रहा, अरे यार इतने बचा ले बैठ के लौड़ा पागल पागी चूत इसकी, राजनाथ की बैठ के लौड़ा ने फंसा दिया। मैं कहा छोड़ो ना देख ले कौन सी बड़ी बात हो गई, राफेल की कंपनी खरीद लेंगे इतनी सी बात है, क्या बोले बताओ। बैठ के लड़ा आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, मैं तुम्हारी बहन चुदवा दूंगा, तुम जानते नहीं हो मेरा नाम विदेश है, समझ में आ गई। उसी दिन से राजनाथ बदला लेने पे उतर गया, जिस दिन इसके बेटे को सुबह से बुला लिया सामने, इधर ये न्यूज आ गई थी 25 करोड़ रुपए इसने आईएएस या आईपीएस के ट्रांसफर के ले लिए थे। अनाप शनाप कानून बनाए जा रहे, अनाप शनाप
होम मिनिस्ट्री में क्या, ये सब बहन के लौड़े इस माँ के लौड़े ने माँ चुदवाई थी। डिमोनेटाइजेशन पता है किसने करवाई है? तुम्हें नहीं पता? इनका डायलॉग था, कहते यार मैं गरीबी से नहीं, मैं गरीबों से गिरा हुआ हूं, ये उनका डायलॉग था। कह रहे पता नहीं इन गरीबों की गरीबी कब दूर होगी, जहां देखो वहीं कट मारने पर राजी। खाम खाम उनकी सुपरवाइज चला रहे, अरे पीएमओ है वो, एसपीजी गार्ड्स हैं। मैं इसलिए एनएसजी वालों को जो है ना, मैंने इतनी गालियां बकी थी, तो मारना बहन के लौड़े को जाकर के पुलिस कंट्रोल रूम बना के बैठ गए बीजेपी ऑफिस में। पागल हुए फिर रहे, का कंट्रोल रूम यहाँ, का कंट्रोल रूम बग्गा, इसी चक्कर में तो उठाया हमने, का से काला तो काली महिंद्रा, काले रंग के आईएस वाले, कहा से कर्नाटका, अच्छा कहा का ऑफिस कर्नाटका में तो नहीं है। मैं पता क्या बोलता था साहब, मैं कहा बढ़िया वाले चुन के लाए, मैं एकदम बढ़िया वाले, मैं कहा हिमालय पर ही तपस्या करी होगी आपने इनके लिए, तब मिले ये। बीजेपी ऑफिस इतना बढ़िया बना के दिया आईटीओ पे, इतना महंगा है, उसे भैरवी विद्या चला रही है पागल औरत स्मृति जुबिन ईरानी। अब कपड़ा मंत्रालय तुझे दिया है तो चला ना चुपचाप, कपड़ा मंत्रालय कोई छोटी बात है, उसमें कुछ अच्छा करके दिखा दे तो था सिलेक्शन हो जाता, तेरा सिलेक्शन हो जाता। रेल मंत्रालय तुझे मिला पीयूष गोयल तो ट्रैक चेंज कर देता ना, तू तेरी जिम्मेवारी थी बुलेट ट्रेन लाना या पीएमओ की, तेरी जिम्मेदारी थी या पीएमओ की थी, तू जाना जापान, आप बनियागिरी सूझ रही है इनको। मैं कहा बढ़िया, मैं कहा जिंदगी भर की तपस्या का फल मिला है। तो कह रहे हो मेरे लिए, कह रहे हो ना तुम कि मैं दिमाग से खेल रहा था, अबे तभी तो सिलेक्शन होते हैं, बेवकूफों के लिए कोई जगह नहीं होती, समझ में आ गई? ये राजनीति है, समझ में आ गई? दिस इज पॉलिटिक्स। अरे भाई आरएसएस से सुनो मेरी बात, आरएसएस से एक लिस्ट आई ठीक है, और आरएसएस के लोगों को जो है कैबिनेट में जगह मिलनी थी, भाई होंगे जानकार होंगे भाषा के, उसमें जो कुछ भी हो, ये बाबा रामदेव श्री श्री रवि से गुड लिविंग कौन है वे, तू नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारे जैसों के लिए जगह? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बात खत्म, बात खत्म, नहीं सुनते हम, चुनाव जीतेंगे हारेंगे हम अपने आप देखेंगे, बात खत्म। बताओ यार, बात खत्म तो खत्म। तेरा ओसो आश्रम हो, चोसो आश्रम हो, पोसो आश्रम हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बात खत्म। अगर संघ मुख्यालय से जो लिस्ट आ गई वहीं पर सुनेंगे हम, बाकी कुछ नहीं सुनेंगे, बात खत्म।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लिस्ट आ गई, उसी की सुनेंगे, बात खत्म। तेरे से तेरी दवाइयां बिकती हो बाबा रामदेव तो बेच, नहीं तो दफाओ यहां से, बात खत्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बात शुरू, हाँ या ना जी? पागल हो गए यार। अबे भारतीय जनता पार्टी कि अगर तुम इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं पहचान पा रहे भारतीय जनता पार्टी को, तो तुम क्या तुम माँ चुदाने के लिए भर्ती हो पहन के लड़ो? कौन सरदार, कौन खालसा? कौन खालिस्तान? कौन ब्लू टर्बन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बात खत्म तो खत्म। बताओ भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दिलवाई आरएसएस ने, ये नहा धो के पहुंच गया बादल, और ये तू कौन है बे? कौन है तू और क्या है तू? वाह भाई वाह। दूसरा कुछ नहीं सुनते हम, गेट आउट, गेट आउट। एक एमपी की सीट इसको मिल जाए, एक मंत्री की उसको, एक एमएलए की उसको, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है, नहीं है, घर जा चल। सबसे पहले बजरंग दल ज्वाइन करते हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद, फिर आरएसएस, दफा हो यहां से, गेट आउट, गेट आउट। उसके अलावा कोई दिख गया ना माइक लेकर के, खाल खींच लूंगा, बात करने की तमीज नहीं इनको। इनको यार इतनी बार समझा दिया, ठीक है कि भाई वो नहीं पसंद करेंगे यार, वो आरएसएस बेस है उनका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, वो फिर दिमाग लगा रहा है, फिर दिमाग लगा रहा है, फिर दिमाग लगा रहा है, वहां नहीं चलता ये सब भाई। नहीं चलता ये सब वहां पे। तो भाई भारतीय जनता पार्टी समझ में आ गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की राजनीतिक शाखा है, क्या है? भारतीय जनता पार्टी, लिख कागज पेन लेकर के, पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है, ठीक है, एक बार। दूसरी बार, विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक संस्था भारतीय जनता पार्टी है, समझ में आ गई? भारतीय जनता पार्टी का बल बजरंग दल, क्या भारतीय जनता पार्टी का बल बजरंग दल, दिमाग में बैठा ले, दोबारा समझाऊंगा जी, दफा है सर, बाहर निकल सकते। बात गठबंधन की नहीं है, कोई साथ आना चाहे स्वागत है, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल स्वागत है आपका, आते को कौन रोकता है, पर हमारी आइडियोलॉजी तो सुन ले,
पहले आइडियोलॉजी सुन कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, फिर गठबंधन करना, फिर करना, और नहीं तो वैसे जमर्जी शक्ति प्रदर्शन कर ले, तू जमर्जी कर ले, शक्ति प्रदर्शन कर ले, शक्ति परीक्षण कर ले, जमर्जी कर ले, रोका तेरे को। यहां सरकार बनाने की इतनी जल्दी मरे नहीं जा रहे हम, समझ में आ गई? हम सरकार बनाने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। पर अपने जो हमारी आइडियोलॉजी है ना, उससे समझौता नहीं होता। हम श्री राम भक्त हैं, बात खत्म तो खत्म, समझ में आ गई? बात खत्म तो खत्म। और श्री राम भक्त कोई भी हो जिसने श्री राम नाम को त्यागा, उसको धरती से उठा देंगे हम, इससे ज्यादा नहीं पता मुझे, वरना मैं जानता ना, मैं सीखना चाहता। आंदोलन की धमकी दे रही है।